Hey guys, what's up? This is Vigor Rider. Welcome back to the channel. So I am again back with another vlog, जो कि आज होने वाला है RR310 की ownership review पे, क्योंकि मेरे को एक साल हो गया है bike को use करते हुए. So I thought कि इस पर एक ownership review बनाना चाहिए. And मेरे को काफ़ी सारी queries भी आई थी Instagram पे, जैसे कि RR310 का आपका mileage क्या रहता है, and आपको आपने क्यों चूज़ किया KTM RC390 के ऊपर, आपने अपाचे RR310 को क्यों चूज़ किया, एंड काफ़ी सारी क्वेरीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में बताऊंगा. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आपको सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. RR310 की अगर क्रॉस को देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिज़ाइन वाइज है ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है. एंड अभी के डेट में लास्ट वन ईयर का भी अगर देखा जाए तो अभी तक एक भी बाइक ऐसी लॉन्च नहीं हुई जिसका इतना अल्टीमेट डिज़ाइन होगा. एंड दिस इज़ द बेस्ट ट्रैक मशीन विच इज़ अंडर 3 लैक्स. और इसके अलावा हम लोगों के पास जो फ्यूल एफिशिएंसी है इस बाइक की, RR310 की जो माइलेज दे देती है बाइक, दैट इज़ 30 to 35 इन ऑल द मोड्स. इसमें 4 मोड मिल जाते हैं आपको बाइक में, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक. तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल जो इसका फीचर वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बाइक का परफॉर्मेंस है. जो आपका ओवरऑल जो बाइक का लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी है. एंड उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का जो फीचर्स है बहुत ही अच्छे फीचर्स दे रखे हैं इसमें बाइक में. एंड मेरे को 1 ईयर हो गया है इस बाइक को यूज़ करते हुए, एंड अभी तक मेरे को बहुत जो देखा जाए एक 3 लैक्स के अंडर की बाइक, इतने सारे फीचर्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे. और मतलब देखा जाए तो जो बाइक है वो लॉन्ग टूर के लिए भी अच्छी है. एंड मेन बात ये आ जाती है कि आपकी अगर स्पीड की बात की जाए तो क्रूजिंग स्पीड आपकी इसमें लगभग 140 टू 150 आप इजीली क्रूज कर सकते हो इस बाइक में, दैट इज़ आल्सो गुड. सो जो इस बाइक की एक अच्छी बात यह है कि आप इसको अराउंड 600 किलोमीटर्स की लॉन्ग राइड के लिए इजीली लेके जा सकते हो. अगर आप ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर रहे हो, वैसे भी 600 किलोमीटर्स की राइड के लिए इतना ज़्यादा सामान रिक्वायर्ड नहीं होता, एक बैकपैक और यहाँ पे आपका लग जाता है टैंक बैग, विच इज़ क्वाइट इनफ फॉर 2-3 डेज ट्रिप. और उसके अलावा अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड करना है देन यू कैन बाई अ सैडल बैग फॉर दिस वन, और वो भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है. बाइक का कंफर्ट लेवल है वो कंपेयर किया जाए अगर KTM RC390 जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में आ जाती है, उसके हिसाब से अगर कंफर्ट देखा जाए तो इसका एग्रेसिव पोस्चर नहीं है. एग्रेसिव पोस्चर में आप अगर लॉन्ग राइड करते हो तो आप लोगों को बैक पेन का इशू आ जाता है. इस वाली बाइक में ऐसा है कि आपका थोड़ा सा स्ट्रेट पोस्चर है जो लॉन्ग राइड के लिए आप लोगों को कंफर्टेबल पड़ता है, एंड आपको बैक पेन नहीं होता है अगर आप लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हो. और इसकी मैंने अभी तक लास्ट एक साल में ऐसी बाइक लॉन्च होते हुए नहीं देखी है, क्योंकि आप जितनी भी बाइक्स को अगर कंपेयर करोगे तो इसका वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है. एंड प्लस एक टोटल ट्रैक मशीन है, आपकी जो स्पीड देखी जाए, इंजन परफॉर्मेंस देखी जाए, सो वो सारी ही चीज़ें अगर आप कंसिडर करोगे, सो दिस इज़ द बेस्ट बाइक विद इन 3 लैक्स. आप लोगों को बैंगलोर में ये बाइक 3.10 की पड़ेगी, बट अदर सिटीज़ में अगर आप लोगों को बाइक बाई करनी है देन यू इट विल कॉस्ट यू विद इन 3 लैक्स. इसके अलावा अगर आपका जो TVS ने
जो सर्विस दी है वो काफ़ी अच्छी है TVS का सर्विस आप लोगों को। मेरे को आपने जैसे कि पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि इनिशियल जो मेरे को बाइक का इशू आ रहा था ECU क्लस्टर का, मेरे को रेगुलरली जो ECU अपडेट्स हैं वो सब मिलते रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि TVS के जो भी कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ का। तो इस बाइक की अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो टॉप स्पीड आप लोगों को मिल जाती है इस बाइक में अराउंड 170 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक 300cc बाइक के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एंड उसके अलावा आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो अगर देखी जाए इस बाइक की काफ़ी अच्छी है, 30-35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है इसका। एंड आप जिस भी राइडिंग मोड्स में अगर जैसे स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में अगर आप राइड करते हो देन जो इंजन का परफॉर्मेंस है आपको वो फुल परफॉर्मेंस आप इसका यूटिलाइज़ कर पाते हो। सो आप लोगों को बाइक के प्रॉस तो पता ही लग गए हैं। एंड इसके अगर कॉन्स की बात की जाए तो मेरे को जहाँ तक फील हुआ है जब मैंने लॉन्ग राइड्स पे या फिर सिटी में अगर मैंने इसके मैप्स को कनेक्टेड किया है, क्योंकि मैं TVS कनेक्ट जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल रहता है उसके थ्रू मैं बाइक का जो डिस्प्ले है उसमें मैं अपना जो भी जो मैप्स है उसका डायरेक्शन देख सकता हूँ, एंड उसमें मेरे को एक कनेक्टिविटी इशू आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैप्स की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी क्लियर नहीं है। सो आप पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन आप लोगों को नहीं मिलता है जैसे कि हम लोग गूगल मैप्स में देख सकते हैं। उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप एक मोबाइल होल्डर लगा सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर क्योंकि हम लोग जब हाई स्पीड्स में होते हैं देन आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्ट्रैक्शन, जो कि अगर आप कहीं भी मोबाइल अपना सामने लगाते हो वो चीज़ आप लोगों को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करती है, विच इज़ नॉट गुड। उसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो एक और इशू बाइक में ये है कि आप लोग अगर कभी भी राइड कर रहे हो अर्बन या फिर रेन मोड में तो आप लोगों का अगर एक्सलरेशन कम है देन ये इंजन स्टेल का इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। अगर आप एक्सलरेशन बराबर रख रहे हो तो आप लोगों को ये इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें होगी कॉन्स बाइक में, ज़्यादा नहीं है। मेरे को मैक्सिमम अगर इस बजट में देखा जाए तो मेरे को इस बाइक में प्रॉस जितने हैं वो और किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको बाइक की मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस पे मेरे को ईयरली हार्डली मेरे को स्पेंड करना पड़ता है 15,000 रुपीज़, क्योंकि आप लोगों का जो सर्विसिंग है अगर आप मैक्सिमम लेके चलते हो देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5,000। बाइक की अगर सर्विसिंग की बात की जाए तो सर्विसिंग मैंने बाइक की फर्स्ट सर्विस कराई थी 1,500 किलोमीटर्स कंप्लीट करने पे, एंड उसके अलावा जो सेकंड सर्विस हुई थी मेरी वो हुई थी 6,000 किलोमीटर्स पे। तो बाइक सर्विसिंग TVS की काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है। आप लोगों को हार्डली फर्स्ट सर्विस जो पड़ेगी वो पड़ेगी अराउंड 500-700 रुपीज़, और जो आप लोगों को सेकंड सर्विस पड़ेगी जो कि आप लोगों की 6,000 पे होती है उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है और अगर कुछ बाकी चीज़ें कमी लगती अगर बाकी चीज़ें ख़राब हुई होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्राइस लगेगा, वो भी मैक्सिमम जाता है 1,000-1,500। सर्विसिंग वाइज बाइक में मेरे को ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ ये रहती है कि आप लोगों को कभी भी अगर लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो देन यू शुड टेक केयर ऑफ योर बाइक, जो कि चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग आप लोगों को रेगुलरली करनी पड़ती है। चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूब के लिए मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ दैट इज़ वर्थ, आप लोग ईजिली बाई कर सकते हो अमेजोन से भी, एंड काफ़ी अच्छा है। अगर उससे ऊपर रेंज में अगर आप देख रहे हो देन यू शुड गो फॉर लिक्विड मॉली। चेन क्लीनिंग का और चेन ल्यूब का अगर आप लोगों को सर जो किलोमीटर्स रेंज बता देता हूँ दैट इज़ 500 किलोमीटर्स, आप 500 किलोमीटर्स में आपको चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूब कर सकते हो। तो ये चीज़ है एक बाइक की अच्छी कि आप लोगों को मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, एंड ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ समवेयर अराउंड 15,000-20,000। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं चेंज करानी पड़ रही है बाइक में देन इट विल बी समवेयर अराउंड 10,000-15,000, क्योंकि जो मेजर सर्विसेज होती हैं उसमें अगर कोई पार्ट चेंज कराना पड़ता है तो बाइक का जो पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी कम प्राइस में हैं, आप लोगों को ईजिली सर्विस सेंटर्स में मिल जाते हैं। और स्पेशली अगर बैंगलोर की बात करूँ तो बैंगलोर में जैसे कि TVS का फैक्ट्री थोड़ा सा पास में ही है देन यू गेट ऑल द पार्ट्स वेरी ईजिली। सो जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस 1 ईयर का रहा वो काफ़ी अच्छा रहा इस बाइक के साथ में, एंड आई होप आप लोगों को भी आज का जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है देन लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, और अगर आप लोगों को मेरे मोटो व्लॉगिंग कंटेंट्स अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है बाइक की वीडियोस बनाने में एंड प्लस जो रिव्यू वीडियोस होती हैं स्पेशली बाइक के प्रोडक्ट्स की अभी इनिशियली काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है तो
आप मेक श्योर आप कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि मैं काफ़ी कंटेंट लेके आ रहा हूँ एंड जो पहले का भी कंटेंट है आप देख सकते हो मेरे रीसेंट वीडियो से। अगर आप में से भी कोई RR310 ओनर है और आपका एक्सपीरियंस अलग रहा है देन लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।